देख रहे हैं राष्ट्र आजकल और मैं हूं आपके साथ कंचन राय। आइए करते हैं रुख खास खबर की ओर। असम में हुई हिंसा के खिलाफ अल्पसंख्यक कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि। असम में पिछले दो दिनों में हो रही हिंसा के खिलाफ और अल्पसंख्यकों की हत्या के खिलाफ विदिशा के अल्पसंख्यक कांग्रेस के विभाग ने शुक्रवार देर रात को बजरिया स्थित जय स्तंभ पर मोमबत्ती जलाकर दिव्यांगतों को श्रद्धांजलि दी। वहीं शासन प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर हिंसा को रोकने की मांग की। एक दिन पहले एक अल्पसंख्यक के घायल शरीर पर फोटोग्राफर द्वारा मारपीट करने के वीडियो के मामले में भी कार्यवाही की मांग की गई। सलमान कहा? सलमान गाड़े से आएंगे। वो तो वाइट अपन बात नहीं सही बोल रहे। अरे जी बोलो काय इधर इस पे जाना है इधर आ रहा आसाम के आम लोगों के ऊपर जो बर्बरता की गई है पुलिस को अपना गुंडा बनाकर उसके खिलाफ आज नगर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा शहीद जो लोग हुए हैं आमजन उनको इंसाफ द्वारा इंसाफ मिलना चाहिए उसके लिए मांग की गई है। उनको श्रद्धांजलि दी गई है। मृतक परिवारों को मुआवजा दिया जाए व उनको इंसाफ दिया जाए उसको लेकर एक पुरजोर कोशिश की गई है। शांति के स्वरूप उनको श्रद्धांजलि दी गई मोमबत्ती जलाकर और उनके लिए दुआ की गई। रखिए देश के हर शहर हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।